और आइए बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप के झटकों की। भूकंप का एपिसेंटर नेपाल बताया जा रहा है, नेपाल के बाजुरा में एपिसेंटर बताया जा रहा है। 5.9 तीव्रता का ये भूकंप का झटका आया है जिससे धरती कांप गई है। नेपाल के बाजुरा में था भूकंप का केंद्र। दोपहर 2:28 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूपी उत्तराखंड में भी धरती हिली है। दिल्ली एनसीआर में आज दोपहर 2:28:30 तक जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उसका एपिसेंटर नेपाल का बाजुरा रहा। ये ठीक उसी वक्त का दहशत भरा मंजर है जब रिक्टर स्केल पर 5.9 तीव्रता के भूकंप ने बाजुरा में हड़कंप मचा दिया। बदहवास लोग घरों से बाहर निकलकर भागते नजर आए, चारों तरफ चीख पुकार सुनाई देने लगी। अब तक जो वीडियो सामने आए उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस भूकंप ने कितनी तबाही मचाई। ये बाजुरा के बाड़ी मालिका की तस्वीरें हैं जहां भूकंप के चलते घरों को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि लोग अफरा तफरी में सड़कों पर आ गए। अभी भूकंप आया तो जैसे आप देख रहे हैं हम लोग हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक महीने में तीसरी बार भूकंप आया है। ये लंच टाइम है, हम लोग अपने किचन में काम करने लग रहे थे, एकदम से सडनली फील हुआ कि भूकंप आया। हम लोग अपना गैस वैस ऑफ करके और फटाफट नीचे उतर कर आए। भूकंप का असर दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के भी कुछ इलाकों में महसूस किया गया। भूकंप के झटके महसूस करने के बाद कई जगह लोग दफ्तरों और घरों से बाहर नजर आए।